हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायोलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायोलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही वायोलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाई यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर RSS का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं, आप जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा औरंग अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाई यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू साथ नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आप दे देंगे क्या, चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो ये उसमें सेक्शन है। दूसरा उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए भारत में जो कानून है ना वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वही कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? पांचवी बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायोलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हुए तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे हा? और ये और एक उसमें जो बात जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम कोई फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था, एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर CJI पर दो लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में दो लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा? तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। तो सरकार की दलील ये है कि सब दलील झूठी है, जो कि वक्फ बोर्ड एक, 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 एक वो जो बोल रहे हैं ना, वो गांव डिक्लेयर कौन किया वो बताएं देश को। वो गांव डिक्लेयर अगर हुआ है तो वक्फ बोर्ड पे बोलने पर नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसके बाद गजेट इशू हुआ और गजीट के लिए 1 साल का टाइम मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए कभी भी टाइम है। आप उसको ऑब्जेक्ट करिए ना, हैदराबाद में भी ऐसे के प्रॉपर्टीज थे जिनको गजीट के बाद भी कोर्ट ने ओवर रूल किया। आप मिसालें दे रहे हैं, ये सुनहरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लॉ कहां से लेंगे बताइए? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाओ कि देखो ये रूह है और ये कह रही कि वफ है, ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान ज्यादा लूटने का है।